एक बार पुनः आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान भाग 3 लेकर के आया हूँ। इसके पहले 2 पार्ट पड़े हुए हैं, आप लोग उसको नीचे लिंक दिया गया उससे देख लीजिएगा। तो तीसरा पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएँ यानी रासायनिक समीकरण, चैप्टर नंबर 1 और ये भाग 3 है। आज बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएँ ज्ञात हैं, उसमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं। यदि कुछ अभिक्रियाओं में एक विशेष समानता है तो वह समानता के आधार पर यह अभिक्रियाएं एक ही प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार यदि कुछ अभिक्रियाओं में किसी दूसरे प्रकार की समानता है तो उस समानता के आधार पर इन अभिक्रियाओं को एक दूसरा विशेष नाम दिया जा सकता है तथा ये अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अतः समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार का वर्णन निम्नलिखित दिया गया है। सबसे पहली योगात्मक अभिक्रियाएँ, एडिशन रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में वायु ऑक्सीजन का योग होता है। देख लेते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इन दोनों का योग करके एक हमारा बना एक प्रोडक्ट बना सल्फर डाइऑक्साइड। जब एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है काली चूने में पानी मिलाने पर बूझा हुआ चूना बनता है। काली चूने का प्रमुख अवयव कैल्शियम ऑक्साइड तथा बूझे चूने का प्रमुख अवयव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के अणुओं का योग होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह का दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कीलें डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह लोहे की कीलों पर कॉपर धातु जमा हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है प्लस कॉपर अलग हो जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कॉपर हट करके यहाँ पर क्या आ गया है, आयरन आकर के लग गया, इसलिए आयरन सल्फेट बन गया है। इस अभिक्रिया में कॉपर परमाणु एफी परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अतः यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नंबर 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया इस प्रकार होती है। मेथेन प्लस Cl2 गैस को जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH3Cl बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हमारा मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया में मेथेन अणु में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अतः यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जब पोटेशियम ग्लोरेट 2KCl3O3 को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl तथा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात अथवा किसी भी अवस्थाओं में मिलाने से पुनः पोटेशियम क्लोरेट प्राप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट Na2SO4 विलयन को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का अवशेष सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड को किसी भी अनुपात में मिलाने अथवा किसी भी प्रावस्था में मिलाने पर पुनः बेरियम क्लोराइड का निर्माण
नहीं होता है, अतः ये सभी रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये जो साइन बना हुआ है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं ये वाला साइन। एक ही तरफ दिशा जब हो तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl, ये एक ही तरफ होती हैं। उपरोक्त अभिक्रियाएँ केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं। इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहते हैं। अतः वे अभिक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण आगे लिखित हैं। जैसे नंबर एक, 2Na प्लस 2HO, अगर हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो 2NaOH डॉट प्लस H2 बनेगा। आगे NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3, आगे SnCl2 प्लस 2FeCl3 एरो SnCl प्लस 2FeCl2। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। विश यू ऑल द बेस्ट।